दोस्तों नमस्कार। आज सुबह सोशल मीडिया की वेबसाइट पर एक खबर पढ़ रहा था जिसमें था कि कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली में डेरा डाला। उसके बाद शाम को देख रहे थे तो कई वेबसाइट्स पर और व्हाट्सएप चैनल्स पर एक फ़ोटो चल रही थी जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ में कुलदीप बिश्नोई अपनी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ बैठे हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कुलदीप बिश्नोई और अपने नेताओं से मिल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि किसी समय हरियाणा की सत्ता पर, हरियाणा की चौधर पर पूर्ण रूप से काबिज चौधरी भजन लाल का परिवार आज लगभग, अगर आप माने तो लगभग डेढ़ दशक में ही, डेढ़ से दो दशक ही हुए हैं लगभग, उसके अंदर इस प्रकार से लचर स्थिति में पहुँच चुका है कि अपने रुतबे को कायम रखने के लिए कुलदीप बिश्नोई अपने परिवार सहित दिल्ली दरबार में दस्तक देते घूमते हैं। मकसद सिर्फ एक है कि या तो बेटे को मंत्री बना दें और या कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि अभी ताज़ा एक राज्यसभा की सीट खाली हो गई है हरियाणा में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद बन गए हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सांसद बनने के बाद एक राज्यसभा की सीट खाली हो गई है। एक कहावत है पुरानी, एक अनार सौ बीमार। एक सीट खाली हुई है, तमाम नेता लग गए हैं कि किस प्रकार से उस सीट को ले लिया जाए और कुलदीप बिश्नोई में उन्हीं में शामिल हैं। राज्यसभा की सीट पर क्या समीकरण बन सकते हैं और कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, अगली वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन आज मुख्य बात दोस्तों ये है कि 2005 में जब हरियाणा में सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस आला कमान ने चौधरी भजन लाल के स्थान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया था हरियाणा का मुख्यमंत्री। इस बात से नाराज हो गए थे चौधरी भजन लाल के साहबजादे कुलदीप बिश्नोई, और कुलदीप बिश्नोई ने धीरे धीरे चलते चलते टी पार्टी यानी कि चाय पार्टी से शुरू करके और अपनी राजनीतिक दुकान खुद खोल ली, अपनी पार्टी खोल ली, हरियाणा जनहित कांग्रेस नाम हो गया उसका। 2007 में उपचुनाव लड़ा, उपचुनाव जीत गए हिसार लोकसभा का। उसके बाद में 2009 के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई बन गए किंग मेकर, 6 विधायक बन गए उनके, 6 विधायक दोस्तों। जैसी स्थिति अब 2019 में हुई थी हरियाणा में, ऐसी 2009 में हुई थी दोस्तों। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दरकार थी विधायकों की, कुलदीप बिश्नोई बन चुके थे किंग मेकर, लेकिन उस रुतबे को संभाल नहीं पाए। 5 विधायक उनको छोड़कर चले गए, पार्टी भी ले गए और जाके चले गए सब कांग्रेस में, हुड्डा साहब को समर्थन दे दिया। 2014 का चुनाव कुलदीप बिश्नोई फिर लड़े हरियाणा जनहित कांग्रेस से, कभी बसपा कभी भाजपा कभी ये कभी वो, तमाम गठबंधन की तलाश करते हुए दोनों पति पत्नी विधायक बन गए, कुलदीप बिश्नोई भी और रेणुका बिश्नोई भी। कुलदीप बिश्नोई विधायक बन गए आदमपुर से और रेणुका बिश्नोई विधायक बन गई हांसी से। 2016 में कांग्रेस में मर्ज हो गए वापस, यहाँ से यानी कि जहाँ से निकले थे वहीं समा गए वापस जहाँ से चले थे। लगभग 9 साल पार्टी चलाने के बाद में वापस कांग्रेस में मर्ज हो गए। कांग्रेस से विधायक बन गए 2019 में खुद कुलदीप बिश्नोई। बड़ी उम्मीद थी, बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस में थे कि भाई कांग्रेस क्या क्या देगी, प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए लालायित थे, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो मुलाकात तक का समय नहीं दिया कुलदीप बिश्नोई को, छोड़ दी कांग्रेस, आ गए भारतीय जनता पार्टी में। कुछ लोग कहते हैं कि ये वजह थी और कुछ लोग कहते हैं कोई ED VD CD का कोई मसला था उस वजह से गए थे। खैर गए थे, जैसे भी गए थे चले गए बीजेपी में। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दिया भव्या बिश्नोई को आदमपुर का उपचुनाव के लिए। हर पिता चाहता है मेरा बेटा आगे बढ़ जाए, कुलदीप बिश्नोई ने भी चाहा, अच्छी बात है, भव्या बिश्नोई विधायक बन गए। विधायक बनने के लिए उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, उन्होंने तमाम प्रकार के कस्मे वादे किए थे आदमपुर के अंदर कि भव्या को आप विधायक बना दो, आगे मैं देख लूँगा, मेरे हाथ में हाथ दे दो, हाथ में हाथ दे दिया, साथ दे दिया, और वो साथ आज तक कुछ हुआ नहीं उसके अंदर। लगभग 1.5-1.5 साल हो गया है विधायक बने हुए भव्या बिश्नोई को। भव्या बिश्नोई कैसे मंत्री बने, इस जुगाड़ में लगे रहे कुलदीप बिश्नोई पूरी तरह से। फिर चुनाव आ गया लोकसभा का, उससे पहले राजस्थान का विधानसभा चुनाव हुआ, तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान के सह प्रभारी बन गए कुलदीप बिश्नोई। बाँछें खिल गई बिश्नोई परिवार की और तमाम उनके समर्थकों की कि अब तो लॉटरी लग गई, अब तो हो गई बल्ले बल्ले, राजस्थान के मुख्यमंत्री ना बन जाए कहीं। चुनाव हो गया और चुनाव होने के बाद कुलदीप बिश्नोई जी बैक टू पवेलियन, वापस हरियाणा।
फिर कुलदीप बिश्नोई जी देखते रहे कि भव्या को मंत्री बना दें, किसी तरह से बात बनी नहीं। लोकसभा का चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव की टिकट मांगते रहे कुलदीप बिश्नोई, टिकट मिली नहीं, नाराज हो गए, फिर से कोप भवन में चले गए, गुस्सा हो गए, कभी हाँ कभी ना, कभी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते रहे। कुलदीप बिश्नोई की पोस्ट आई, भव्या की भी पोस्ट आई, रेणुका की भी पोस्ट आई, सबने पोस्ट की अपनी, दिल के गुबार निकाले खूब, और उस पर जो मसाला लगा दिया वो लगा दिया मनोहर लाल जी ने। भजन लाल जी का नाम लिए बिना कह दिया कि भैया रिश्वत जो भ्रष्टाचार के मामलों में जो भी था आप समझ रहे हैं सब कुछ। फिर नाराज हुए कुलदीप बिश्नोई, नायब सिंह सैनी गए मना लिया और चुनाव प्रचार में लगा लिया। आदमपुर के अंदर हार गए रंजीत चौटाला, आदमपुर के अंदर हार गए, और फतेहाबाद में हार गए अशोक तंवर। दोनों जगह कहते हैं कि असर था कुलदीप बिश्नोई का, बिश्नोई समाज का असर था। आदमपुर की वो सीट जहां पर लगभग डेढ़ साल पहले आप उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने जयप्रकाश को हराया था, लगभग भव्य बिश्नोई ने हराया था उनको, जयप्रकाश को लगभग 16,000 वोट से, 15,500 वोट से ज़्यादा, और अब लगभग 6,500 से ज़्यादा वोट से जेपी जीत गए आदमपुर में, जेपी जीत गए आदमपुर से भी। चुनाव तो हो गया खैर चलो, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की जो लोकप्रियता थी वो धरातल पर आ गई शिखर से। इस बीच अब राज्यसभा के चुनाव के लिए सीट डिक्लेयर हो गई। भव्य बिश्नोई के मंत्री बनने का नंबर तो लगता है शायद आएगा नहीं, क्योंकि रंजीत चौटाला कुंडली जमाए बैठे हैं बिजली मंत्रालय पर, वैसे ही बिना विधायक होते हुए मंत्री हैं, और अपने आप को प्रूव करने के लिए कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर लग गए हैं किसी प्रकार से ये नकेन प्रकरण सत्ता के नज़दीक पहुँच जाए। ये नकेन प्रकरण, मुझे एक डायलॉग याद आता है पंडित रामविलास शर्मा का, दादा रामविलास शर्मा, वो कहते हैं कि शेरा ने और गिदरा ने वाली जो कहावत सुनाते हैं कि कभी कभी शेर को भी गीदर घेर लेते हैं। यहाँ कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी से मेरा कोई मकसद नहीं है बताने का, लेकिन ये जरूर है कि कभी चौधरी भजनलाल का परिवार हरियाणा की राजनीति, हरियाणा की सत्ता, चौधरी भजनलाल राजनीति के PhD कहे जाते थे, राजनीति के PhD, और अब आप आज स्थिति ये बन गई कि कोई भी सरकारी पोस्ट वैकेंट हो तो भजनलाल जी के नाम पर कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि उनके परिवार में कुछ आ जाए। आपको क्या लगता है कि क्या कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा का मेंबर बना के लिए प्रत्याशी बना सकती है भारतीय जनता पार्टी? आपको क्या लगता है कि क्या कुलदीप बिश्नोई को इस प्रकार से जो उनका रवैया रहता है वो अपनाना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि आदमपुर के अंदर जो BJP कैंडिडेट रंजीत चौटाला की हार हुई उससे क्या कुलदीप बिश्नोई, भव्या बिश्नोई और चौधरी भजनलाल के परिवार के राजनीतिक प्रोफाइल पर कुछ असर पड़ेगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।